ये देखिए फ्रेंड्स, 1 घंटा हो गया है और हमारी दाल ने सारा वाटर सोक कर लिए है और ये अच्छे से फूल गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में डाल लेते हैं। ये हमने ग्राइंडिंग जार ले लिया है, हम दाल को इसमें डाल लेंगे। ये देखिए ग्राइंडिंग जार में हमने दाल सारी डाल ली है। अब हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, आप चाहे तो पीसी भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 2 पिंच हींग डालेंगे फ्रेंड्स। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून इसमें सॉल्ट डालेंगे, बहुत थोड़ा सा डालना है। अब हम इसका ढक्कन लगा के इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमने दाल को ग्राइंड कर लिया है, हमने इसे बिना पानी डाले ग्राइंड किया है फ्रेंड्स। अब हमें माइक्रोवेव सेफ तवा, जो क्रस्टी प्लेट होती है वो लेनी है, या फिर आप कोई माइक्रोवेव सेफ जो कांच के जो डिनर सेट के साथ प्लेट आती है वो भी ले सकते हैं, जिसे कि हम माइक्रोवेव में 10-15 मिनट के लिए रख सकते हैं। तो ये हमने क्रस्टी प्लेट ले ली है, अब हम इसी पे मंगोड़ी तोड़ेंगे फ्रेंड्स। आप चाहें तो इस तरह की कांच की प्लेट पे भी ये मंगोड़ी तोड़ सकते हैं। ये देखिए हमने दाल को प्लेट में निकाल लिया है। अब हम अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करेंगे और इस तरह से दाल लेंगे और हम जो है क्रस्टी प्लेट पे इस तरह से, ये हमारी इतनी बड़ी बड़ी मंगोड़ी तोड़ लेंगे। ये देखिए सारी मंगोड़ी को मैंने क्रस्टी प्लेट पे तोड़ लिया है। चलिए माइक्रोवेव स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम माइक्रोवेव मोड फुल पावर 900 वॉट पे सेलेक्ट करेंगे। टाइमर हम इसमें जो है 14 मिनट्स का लगाएंगे। तो ये माइक्रोवेव स्टार्ट कर दिया, 14 मिनट्स का हम टाइमर इंक्रीज कर देते हैं। डोर को ओपन करके क्रस्टी प्लेट को इसमें रख देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इनको माइक्रोवेव कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम इन्हें जो है 8 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव करेंगे, उसके बाद इन्हें चेक करके हम जो है इनको पलटेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, 8 मिनट के लिए वेट करते हैं। फ्रेंड्स, ये इसके अंदर बहुत ही बढ़िया बनेंगी। जैसे हम बाजार से खरीद के लाते हैं तो आप कभी कभी देखते होंगे तो वो खराब भी निकल आती हैं, उनमें कीड़े सुराड़े वगैरह पड़ी होती हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो घर में बनाएंगे बिल्कुल हाइजीनिक रहेगी और इंस्टेंट भी हम इन्हें बना सकते हैं। तो ये देखिए अब हमारी मंगोड़ी जो तैयार हो जाएंगी, इन्हें हमें जो है ना भूनना भी नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम बाजार से कच्ची मंगोड़ी लेके आते हैं तो उन्हें हम जो है हल्का सा घी डाल के भूनते हैं पहले बनाने से, तो लेकिन ये हम इन्हें माइक्रोवेव में बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएंगी और बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होके ये भून भी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका दोनों काम हो जाएगा। तो इन्हें आप इंस्टेंट तैयार करके आप इंस्टेंट सब्जी भी बना सकते हैं उसी दिन, जिस दिन आपका मन करे उसी दिन आप दाल भिगोइए, मंगोड़ी तोड़िए और अपनी आलू मंगोड़ी की सब्जी, मटर मंगोड़ी की सब्जी जो है आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा वेट करते हैं। ये तो था मंगोड़ी के बारे में जो आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया है। फ्रेंड्स, 8 मिनट्स हो गए हैं, चलिए हम मंगोड़ी चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी मंगोड़ियां ऊपर से कितने अच्छे से एकदम बढ़िया एकदम ये ड्राई हो गई हैं। अभी नीचे की तरफ से फ्रेंड्स ये जो सॉफ्ट है इधर से भी हम ड्राई कर लेंगे और इनको पलट देंगे। ये देखिए सारी मंगोड़ियों को इस तरह से आप पलट दे, केयरफुली करें। वैसे ज्यादा गर्म नहीं है ये माइक्रोवेव में, ऊपर की तरफ से मैं इनको हाथ से पलट पा रही हूँ तो मैं सारी मंगोड़ियों को पलट देती हूँ। ये देखिए मैंने सारी मंगोड़ियों को पलट दिया है बहुत ही इजीली, क्योंकि मैंने नीचे ऑयल लगाया था तो उसकी वजह से ये चिपकी नहीं है। बस अब इधर से ये जो है ड्राई होनी है और कुक होनी रह गई है, तो हम डोर को क्लोज करके इसको यहाँ से भी इसको कुक कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगेन 6 मिनट बाद आके चेक करेंगे। फ्रेंड्स, आप टाइमर को कम या ज्यादा कर सकते हैं, आप बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और इनका मॉइस्चर रिमूव हो जाए। एक तरफ से तो रिमूव हो गया है मॉइस्चर, सो ड्राई भी हो गए हैं, अब इधर से भी हमें करना है। 6 मिनट का टाइमर हमारा रिमेनिंग है, अगर उसमें कुछ टाइम हमें बढ़ाना पड़े तो हम 2-3 मिनट्स और उसको इंक्रीज कर सकते हैं।
फ्रेंड्स ये देखिए हमारी मंगोड़ी अच्छे से बिल्कुल ड्राई होके सूख के तैयार हो गई है। ये देखिए बिल्कुल अब आप इन्हें एयरटाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं और इनको तोड़ के बना भी सकते हैं। फ्रेंड्स इनको जब हमने सेकेंड टाइम इनको पलट के रखा है तो फ्रेंड्स ये विद इन 3 मिनट्स ही ये जो है बैक साइड से जो है एकदम अच्छे से रोस्ट हो गई, ड्राई हो गई है ये देखिए। तो फ्रेंड्स अब इन्हें आप एक ठंडा करें और एयरटाइट कंटेनर में भर कर रख दें। तो टोटल कुकिंग टाइम इसमें 11 मिनट का लगा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी और हैक्स पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉर मोर वीडियोस थैंक्स फॉर वॉचिंग।